दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर वालों के लिए रायता जो बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, शुगर वालों के लिए रायता लेकर आई हूँ जो बहुत ही फायदेमंद होता है। शुगर वालों को हमेशा वही खाना चाहिए जो उन्हें नुकसान न दे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसा बनाऊं जिसे मेरे शुगर वाले भाई बहन बेफिक्र होकर खा सके। एक ही तरह की सब्जी हर रोज नहीं खा सकते, क्योंकि वह भी इंसान है। इसलिए आप उनके लिए बदल बदल कर सब्जी बनाएं। जो भी सब्जी मैं डालती हूँ उसे शुगर वाले कई बार ट्राई कर चुके होते हैं। आज मैं शुगर वालों के लिए मूली और बथुए का रायता बनाऊंगी जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सैर करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। आइए बनाते हैं रायता जो शुगर में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह देखिए बथुआ, बथुआ शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है। यह बथुआ हमने धोकर रखा है। ये देखिए बथुआ सर्दियों में आसानी से मिल जाता है। और ये मूली, मूली भी शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इसको भी हमने धोकर रखा हुआ है। अब मूली और बथुए का रायता बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए एक कटोरी दही, दही सपरेटे वाली लेनी है। अगर सपरेटे वाली दही नहीं है तो आप घर पर दही बनाइए मलाई उतरे हुए दूध की। और दही खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि खट्टी दही शुगर वालों के लिए फायदेमंद होती है। और ये देखिए एक कटोरी बथुआ, जो एक कटोरी बथुआ हमने काट कर रखा हुआ, ये देखिए एक छोटी कटोरी मूली, ये हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। साबुत जीरा भुना हुआ जो हमने तवे पर भून कर रखा है, काली मिर्च पाउडर और ये सेंधा नमक, इसमें हम सेंधे नमक का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं, ये देखिए इसमें हम ये बथुआ डालते हैं। अब गैस ऑन करते हैं, इसको गैस पर रखते हैं। अब हम ये देखिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, आधी कटोरी पानी डालनी है। अब इसको हम उबालते हैं, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। ये देखिए सेंधा नमक बिल्कुल थोड़ा डालना है। अब इसको उबालते हैं और ये देखिए हमारा बथुआ अच्छे से उबल चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं। अब इसको देखिए चाली के साथ ऐसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए सारा ऐसे निकाल लेना। अभी देखिए बथुए को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। एक बड़ा बर्तन लेते और इसमें हम ये मूली डालेंगे। देखिए एक कटोरी मूली जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। अब इसमें हम दही डालेंगे, ये देखिए। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देते हैं। देखिए अच्छी तरह से अच्छे से मिक्स करना। देखिए अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच डालेंगे और ये सेंधा नमक, स्वाद के हिसाब से डालिए। और ये काली मिर्च पाउडर। अब इसको ये देखिए फिर से ऐसे फेंट कर लेते अच्छी तरह से। और तब तक ये देखिए हमारा बथुआ भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा इसे इकट्ठा करते हैं और इसको हल्का निचोड़ते हैं। देखिए इसको हल्का निचोड़ना ऐसे। अब इसको भी हम इसमें डालते ऐसे, सारा डाल देना ऐसे। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे फेंट करना है, ये देखिए। और ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद इसको प्लेट में रखते हैं। देखिए अब ऊपर से थोड़ा भुना जीरा डालते और ये हरा धनिया, ये देखिए हरे धनिया की 2-4 पत्तियां डालनी है। और ये देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए मूली और बथुए का रायता बिल्कुल तैयार है, जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वैसे तो सबके लिए स्वादिष्ट होता है और फायदेमंद भी होता है। इस रायते से आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। शुगर वाले भाई बहन इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं।
और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। जय माता दोस्तों।